जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार भगवान से बिना कुछ मांगे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इस रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिएगा। आशा करता हूँ ईश्वर आपको भी वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए उचित है। तो आइए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को भोजन कराने जा रही थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के लिए भोजन परोसा, परंतु भगवान विष्णु बिना कुछ खाए ही हाथ धोकर वहाँ से चुपचाप चले गए। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु वापस आए तो माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण आप इस तरह भोजन को छोड़कर क्यों चले गए थे? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे प्रिय मेरे कुछ भक्त भोजन न मिलने की वजह से भूखे थे, मैं उन्हीं को भोजन कराने चला गया था। हे प्रिय मैं पालनहार हूँ, संसार के समस्त प्राणियों को भोजन कराना हमारा दायित्व तो है, फिर कोई हमारा भक्त भूखा रह जाए तो मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं भोजन छोड़कर चला गया था ताकि अपने भूखे भक्तों के लिए भोजन का उचित इंतजाम कर सकूं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रही थी और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का विचार किया। दूसरे दिन माता लक्ष्मी ने एक छोटे से बर्तन में 5 चींटियों को बंद करके रख दिया। उसके उपरांत माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए भोजन परोस कर ले आई, परंतु आज भगवान विष्णु बिना रुके ही भोजन करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु आज आपने अपने भक्तों के बारे में विचार नहीं किया। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय जब तक हमारे भक्तों को भोजन की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु आज भी आपके 5 भक्त भूखे हैं फिर भी आपने भोजन ग्रहण कर लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तब माता लक्ष्मी ने वह बर्तन लेकर आई जिसमें चींटियों को बंद करके रखा था, परंतु जैसे ही उन्होंने बर्तन खोला वह आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि प्रत्येक चींटियों के मुंह में चावल के कण लगे हुए थे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु यह बर्तन तो पूरी तरह से बंद था, फिर इसमें चावल के दाने कहाँ से आए? कहीं आपने तो चावल के दाने नहीं डाले? तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी जब आप चींटियों को रख कर बर्तन को ढक रही थी उसी समय आपके माथे में लगे तिलक से एक चावल का दाना बर्तन में गिर गया और उसी चावल के दाने से चींटियों के भोजन की व्यवस्था हो गई। दोस्तों भगवान विष्णु को इसीलिए पालनहार कहा जाता है क्योंकि वो समस्त जीवों के भोजन की व्यवस्था किसी न किसी तरीके से अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों हम सभी को भगवान से मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके समीप जाने से ही मिल जाती हैं। जैसे अग्नि के समीप जाने से ताप मिलता है, बर्फ के समीप जाने से शीतलता प्राप्त होती है, सुगंधित फूलों के पास जाने से सुगंध मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमारे लिए उचित होता है। इसीलिए दोस्तों ईश्वर से मांगने की बजाय उनके समीप जाने का प्रयास करिए। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री हरि विष्णु।